सो हेलो गाइस, माय नेम इज रोहन और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल वी वाइल्ड। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, इस तपती गर्मी में कैसे हैं आप सब और कैसे हैं आपके सारे पेट्स? आशा करता हूँ सारे अच्छे ही होंगे। तो देखिए, इतना गर्मी पड़ चुका है तो मैं आप देख ही सकते हैं मेरे जितने भी मटकियाँ थे, मतलब जितने भी हांडी मैंने अपने जो केज है उसके अंदर लगा रखा था, मैंने सारे उतार दिए। क्योंकि एक बात आपको भी जान रखना चाहिए कि अगर आप इस टाइम भी अपने पर्ट्स को नेस्ट बॉक्स या फिर मटकी प्रोवाइड करेंगे तो वो ब्रीड करेंगे, पर इससे उनका हेल्थ ख़राब होगा। इससे आपका अच्छा ब्रीड भी नहीं मिलेगा और ऊपर से आपका जो फीमेल है वो भी हो सकता है वीक हो सकता है। इसलिए इस टाइम जो मटकी है उनको हटा लेना ही अच्छा रहता है। और इस टाइम में एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आपके जितने भी बर्ड्स हैं, मतलब जो मेल है और फीमेल है, सबको अच्छी तरीके से कैल्शियम, विटामिन, मिनरल सब कुछ खिलाइए, जिससे कि नेक्स्ट टाइम जो गर्मी के बाद आप जो ब्रीड लेने वाले हैं उसमें अच्छा ब्रीड है। तो मैंने भी भाई किया है, मैंने भी सारे जो हांडी है उन सबको निकाल चुका हूँ। एक या दो है उसके अंदर अभी बच्चे थोड़े से छोटे हैं, इसलिए उनको मैंने नहीं हटाया, बाकियों को मैंने अलग कर दिया है, आप देख ही सकते हैं। तो देखिए, मैंने जो बोला ये अच्छा टाइम है अपने बर्ड्स को अच्छी तरीके से न्यूट्रिशन वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए, तो आज मैं जो बर्ड्स के लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है कैल्शियम। क्योंकि अगर बर्ड्स अंडे ले करेंगे तो उनके बॉडी से बहुत मात्रा में कैल्शियम निकलता है, तो ये कैल्शियम का अच्छी मात्रा में बर्ड्स के शरीर में होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए आज मैं एक ऐसा चीज़ आपको दिखाऊंगा या फिर बताने वाला हूँ जो बहुत ही सस्ता है, मतलब बोल सकते हैं फ्री में भी मिल सकता है आपको, और जिससे बर्ड्स का कैल्शियम का सप्लीमेंट बहुत ही अच्छी तरीके से पूरा हो जाएगा, क्योंकि ये एक फुल ऑफ कैल्शियम है। तो वो चीज़ है एग। वैसे भी नॉर्मली अगर देखें तो एग के अंदर बहुत सारा न्यूट्रिशन वैल्यू, मिनरल्स, विटामिन्स बहुत कुछ होता है, पर आज हम सिर्फ कैल्शियम के ऊपर फोकस्ड है। तो इसलिए इसका जो सबसे मेन जो चीज़ है जो हम ज़्यादातर घर में फेंक देते हैं वो है एग का सेल, क्योंकि एग का जो सेल है इसके अंदर कैल्शियम का मात्रा बहुत ज़्यादा होता है। आप देख सकते हैं मैंने कितने सारे सेल को कलेक्ट किया है, आप भी इसको कलेक्ट करके वॉश करके उसके बाद इसको सुखा के आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो कैसे बनाते हैं और कैसे यूज़ करते हैं वो आज इस वीडियो में दिखाऊँगा। तो ये देख सकते हैं मेरे जितना भी एग सेल है मैंने सारे को एक जगह पर रख लिया है। तो ये बहुत दिन लगा मुझको, करीब करीब एक डेढ़ दो हफ्ता जितना लगा। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको पहले हाथ से थोड़ा सा क्रश कर लूँगा। तो आप देख सकते हैं बहुत इजीली क्रैक हो रहा है, किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं आ रहा। तो इसी तरीके से आपको पहले इसको क्रश कर लेना है, देख सकते हैं। इसका क्वांटिटी आप जितना ज़्यादा रखेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि ज़्यादा दिन तक आपका चलेगा। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, इसको अच्छी तरीके से क्रश कर लेते हैं। तो देख सकते हैं मैंने इसको अच्छी तरीके से क्रश कर लिया, मतलब हाथ से जितना हो सकता था। तो ये देख सकते हैं पहले से बहुत ही बारीक टुकड़ा हो चुका है, पर ऐसा भी नहीं चलेगा, इसको और भी अच्छी तरीके से क्रश करना पड़ेगा। इसके लिए हम लेंगे मिक्सर ग्राइंडर का जो बाटी होता है वो चीज़। तो मम्मी से पूछ लेना, क्योंकि अगर घर का जो खाने में यूज़ होता है वो अगर लेंगे तो बाद में मम्मी से पिटाई पड़ेगी। तो ये मेरे घर में एक्स्ट्रा था तो मैं इसमें ले रहा हूँ, देख सकते हैं। अच्छी तरीके से इसको अंदर भरने के बाद इसको एकदम पाउडर फॉर्म जैसा बनाना है। तो चलिए इसको पहले हम अच्छी तरीके से भर लेते हैं। अच्छी तरीके से भर लेने के बाद इसका ढक्कन लगा के अभी इसको मिक्सर ग्राइंडर में एकदम मिक्स करना है। तो ये देख सकते हैं मैंने इसको बैठा दिया है, तो 5 से 6 बार इसको जब अच्छी तरीके से घुमाएंगे उसके बाद ये देखिए ये एकदम पाउडर फॉर्म में हो चुका है। यही वाला फॉर्म है ये हमको चाहिए, क्योंकि देखिए हर बर्ड्स क्या होता है, जो ये कैल्शियम जो होता है ये डायरेक्टली नहीं खाता। अगर आप इस तरीके से बड़े बड़े टुकड़ा देंगे तो हो सकता है वो ना खाए, पर अगर आप सॉफ्ट फूड के अंदर इस तरह का पाउडर अगर आप मिक्स करके देंगे तो वो ऑब्वियसली खाएगा। आप देख सकते हैं ये कितना सारा मेरा हो चुका है, अभी ये करीब करीब 2-3 महीना तो आराम से चल जाएगा। तो कैसे खिलाना है मैं बताता हूँ। आप अपने बर्ड्स को सुबह में जो भी सॉफ्ट फूड देते हो, गेहूँ हो, चना हो, जो भी हो, उसके ऊपर इसको स्प्रिंकल कर दीजिए। मतलब खाने का अगर आप दे रहे हो तो 1/2 चम्मच या फिर आपके पास जितना खाना का क्वांटिटी है उसके हिसाब से आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जब ये कैल्शियम बर्ड्स डायरेक्ट खाएगा तो इसके अंदर जो कैल्शियम है वो बर्ड्स के शरीर में एब्जॉर्ब हो जाएगा, और इससे बर्ड्स में जो कैल्शियम का डिफिशियंसी है वो भी पूरा हो जाएगा। ये जो गर्मी का सीज़न है, मतलब जो ये चल रहा है, तो 1.5 से 2 महीना तो आपको रेस्ट देना ही है जब तक गर्मी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हो जाता। तो इस टाइम आप अगर हफ्ते में 2 से 3 बार अगर इसको खाने में मिला के देंगे और इसके साथ अगर आप किसी तरह का मल्टीविटामिन भी ऐड करेंगे तो आप देखना आपका बर्ड्स का जो है वो हेल्थ और भी अच्छा हो जाएगा और नेक्स्ट टाइम का ब्रीड बहुत ही अच्छा निकलेगा। तो बर्ड्स को जैसे रेस्ट देना भी जरूरी है, इस तरीके से अच्छा न्यूट्रिशन वाला खाना प्रोवाइड करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए ये एक बहुत ही सस्ता और सिंपल नुस्खा था बर्ड्स का कैल्शियम का डिफिशियंसी को पूरा करने के लिए। आप भी इसको घर में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलता है, मैं बहुत सालों से यूज़ कर रहा हूँ। इसे बर्ड्स के में जो फीमेल में किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं आता और बच्चे भी अच्छे निकलते हैं। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और किसी नए टॉपिक पे भी अगर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।
तो आपने भी क्या कभी पहले एक तरीका आजमाया था क्या, वो भी मुझे कमेंट करके बताइए। तो मिलते हैं एक नए दिन नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।